नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की। ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार की हर पौड़ी में स्नान करने आते लाखों श्रद्धालु। उत्तराखंड में मौजूद है हरिद्वार और हरिद्वार में मौजूद है हर की पौड़ी। मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर और बहुत से स्नान एवं यज्ञ आदि के घाट। यहाँ हर साल गर्मी के मौसम में लाखों श्रद्धालु भक्त स्नान करने के लिए आते हैं। हरिद्वार एक ऐसी पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ पे पवित्र गंगा जी बहती हैं, जिनका जल अति शुद्ध माना जाता है। भागवत कथा का शुभारंभ हरिद्वार के आनंद घाट से हुआ था और आज हर गांव, गली, मोहल्ले, घर में इसका पूजा पाठ होता है। श्री हरि विष्णु और स्वयं निवास करते हैं यहाँ पर। मश्रियों का कहना है कि यह महाकुंभ मेला भी लगता है। इस महाकुंभ मेले में नागा साधुओं का भी आगमन होता है, इसलिए हरिद्वार की कई घाटों पर स्नान आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं। भक्तों यहाँ दूर दराज से भक्ति के सहित स्नान करने और अपने पूर्व पुरुषों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं। गर्मी के धन्यवाद। ये सुने थे वृंदावन से पता नहीं माता जी उनके दीवान यहाँ पे मौजूद है। आओ और एक मंडल है, आइए उनसे बताइएगा। यहाँ पे ब्रह्मकुंड और हर की पौड़ी में आप स्नान करने के लिए आई है तो इसका क्या महत्व है, क्या फल मिलता है इससे? धन्यवाद। ये सुने थे और भक्त उनके दीवानी यहाँ पे मौजूद है। इसी घाट पे जो पूजा कराते उनसे पंडित जी जरा बताइएगा इस घाट का मुख्य महत्व क्या है, स्नान करने से क्या फल मिलता है? भक्ति पौड़ी है, ये ब्रह्मकुंड है, हरि मीन्स भगवान विष्णु है। विष्णु के चरण पादुकाओं का निशान जो सीढ़ियाँ हैं उनको संकेत करते हैं कि विष्णु जी के चरणों के निशान है। ये मोक्षदायिनी गंगा जी है, ये ब्रह्मकुंड है। इस मंदिर से देखें और इधर देखेंगे वहाँ तक सायंकाल में यहाँ पे 21 आरतियाँ होती हैं। यहीं पे महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ पे नागा साधु संन्यासी इसी जगह पे कुंभ का स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। ये यहाँ का स्नान का महत्व है। हाँ धन्यवाद। ये सुने थे यहाँ पे जो ब्रह्म घाट में पूजा कराते पंडित जी उनके दुवानी, तो यहाँ आप देखिए ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी है। यहाँ पे हमारी फोटो भी ले लो एक हर की पौड़ी, इसी जगह पे स्नान करने से यहाँ पे शुद्ध होती है, जो आत्मा शुद्धि होती है, जो भी पाप सब धुल जाते हैं यहाँ पे स्नान करने से। हर कोई भक्त यहाँ पे आकर 7 बार डुबकियाँ लगा रही है। यहाँ पे भगवान माँ गंगा को भक्ति के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करके माँ गंगा को एवं सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। पर मौजूद है एक और भक्त माता जी, आइए वैसे अगर आप पूछते आप बताइएगा यहाँ पे कहाँ से आइए? दिल्ली से आया, दिल्ली से आया और यहाँ आने को बहुत मन करता है। गंगा मेला के दर्शन करने को बहुत मन करता है। यहाँ नहाने से मुक्तता मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि हर महीने हम यहाँ पर आएँ और गंगा मैया के दर्शन करें, भोले बाबा के दर्शन करें, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाएं। यहाँ पे आके यहाँ पर 4-5 दिन आके रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऊपर मनसा देवी की मंदिर है, वहाँ दर्शन करिए। हाँ तो मनसा देवी में दर्शन करने का क्या महत्व है? मनसा देवी का दर्शन करने का महत्व है कि हम वहाँ ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें हमारी माँ मिल गई है। माँ के दर्शन करने को बहुत अच्छा लगता है। ये सुने थे माता भक्त जो दिल्ली के रोहिणी से आए थे यहाँ पे, ये बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ पे गंगा मैया में स्नान करने के लिए और ऊपर जो माता जो ये मनसा देवी के मंदिर है वहाँ पे जाके भी दर्शन करके ये बताते कि माता की जी के दर्शन करके ऐसे लगता है मेरे खुद के माता मेरे सामने है। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा। इस समय हम पहुंचे थे कि हरिद्वार में, हरिद्वार हर की पौड़ी एवं जो ब्रह्म घाट जहाँ कहा जाता है उस जगह पे पहुंचे थे। यहाँ पे स्नान करने से क्या फल मिलती है, आइए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पावनी गंगा की उत्पत्ति का स्थल है।
यही से गंगा जी का नाम हुई है। गंगा जी तो वहाँ गंगोत्री में प्रकट हुई है, क्योंकि वहाँ से जो निकल के आए हरिद्वार, वहाँ से तो अनेक नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे अलकनंदा है, नीलधारा है, ऐसे अनेक नाम से आकर के यहीं हरिद्वार में ही गंगा जी का नाम का ही। तो यहाँ पे सुबह आप पहुँचे थे, पहुँचने के बाद आपने क्या किया? हमने यहाँ आया करके दर्शन किए, दर्शन करके फिर सभी भक्त के साथ में स्नान किए। यहाँ कुंभ मेला का भी स्नान किया जाता है 12 साल में। स्नान करने से क्या क्या फल मिलता है? ये भक्ति दायिनी है, मुक्ति दायिनी है, जिससे स्नान कर से गरज परस और मंजन पाना, हर ही पाप कहे भेद पुराना, उसके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, स्नान करने से संपूर्ण पाप समूल नष्ट हो जाता है। ये वेद अशुष्ट स्तुतियाँ गायन करती है, इसीलिए यहाँ का महानता तो फिर अवर्ण है, कोई वर्णन नहीं करता है। ये विष्णु पद ये भगवान की श्री चरण से ही उत्पत्ति है इनका, और ये भगवती रूप में ही यहाँ से प्रकट होकर की यहाँ का तो प्रधानता है ही है, उसके मध्य में है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में मध्य स्थान है, और ये गंगा मैया की अवसान गंगा सागर में जा करके, जो सागर वंश 60,000 सागर पुत्र को कल्याण करने के लिए ही भागीरथी जी ने गंगा मैया की तपस्या करके गंगा मैया को प्रकट करा के, और वहाँ से गंगा मैया की कृपा से वहाँ जा करके गंगा सागर पहुँचे, और गंगा सागर सबर में सबर पुत्र 60,000 की गंगा मैया स्पष्ट पा करके उनका मुक्त हो गया। ये गंगा मैया की महानता तो फिर अवर्णीय है, अकल्पनीय है। वृंदावन से पता रहे यहाँ पे जो जानकी रमन मंदिर के प्रधान महंत है महाराज जी, गोविंद दास जी महाराज जी, उनके जवान ने सुना था कि उन्होंने बताया कि गंगा जी यहाँ जो ब्रह्म कुंड में गंगा घाट में स्नान करने से क्या उनका फल मिलता है। यहाँ पे मौजूद है वृंदावन से पता रहे माता छाया देवी जी, आइए उनसे रूप रहता है, जरा आप बताइएगा यहाँ पे जो गंगा स्नान करने के लिए आप आइए ब्रह्म कुंड है, इसका क्या महत्व है? शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।